इधर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में लगातार हुई बारिश के बाद हालात बदतर हो चुके हैं। जिले के कई दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में हैं और लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से मऊ में इन दिनों सरयू नदी उफान पर है और उसके बाढ़ का पानी अब निचले इलाकों के दर्जनों गाँव के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। लोग बाढ़ से घिरे गांव को छोड़ने के लिए जुगाड़ का सहारा लेते दिखाई दिए। तस्वीरों में कुछ लोग एक बीमार आदमी को टोकरी के आकार की किसी चीज पर बिठाकर बाढ़ के बीच से निकलते दिखे, तो वहीं कई इलाकों में लोग खुद ही नाव के सहारे गांव से महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। सभी लोग जूझ रहे हैं बाढ़ से, सिंचाई विभाग वाले कहा जाता है तो कोई सुनता ही नहीं है, आते हैं घूमकर चले जाते हैं। सरयू नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि सिर्फ निचले इलाके के गांव ही नहीं बल्कि गांव से ऊपर बने पक्के मकानों की दहलीज तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। लोगों का आरोप है कि इतने बुरे हालातों में भी जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें मदद नहीं मिल रही है, जबकि हालात ये हैं कि नए इलाकों में ये अनार उगा के हर साल एक एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भी सरयू की बाढ़ का पानी तेजी से पहुंच रहा है। इधर उत्तर प्रदेश में लगातार हुई बारिश की वजह से कई जिलों में हालात बदतर नजर आ रहे हैं। राजधानी से सटे बाराबंकी जिले में बाढ़ के पानी का बड़ा असर दिखाई दे रहा है। जिले में बाढ़ के हालातों को दिखाती ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि बाढ़ के पानी से घिरे इस गांव के ज्यादातर घर खाली हो चुके हैं। लोग अपनों को लेकर सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन कर चुके हैं। तस्वीरें बाराबंकी जिले के प्रसादी पूर्वा गांव की है, जहां न्यूज 18 की टीम पहुंची और हालात का जायजा लिया। मैं बाराबंकी के प्रसाद पूर्वा गांव में इस वक्त मौजूद हूं और मैं इस ऐसे लोकेशन पर मौजूद हूं कि अगर मैं इस गांव में अगर यहां नाव से उतर गया तो मैं यहां डूब जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, देखिए किस तरीके से जितने भी घर हैं इस गांव के वो डूबे हुए हैं, बाढ़ की चपेट में हैं। और इस तहसील की अगर पूरे हम बाराबंकी जिले की बात करें तो 135 ऐसे गांव हैं जो कि बाढ़ की चपेट में। बाराबंकी के प्रसादी पूर्वा गांव में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पूरा गांव बाढ़ के पानी की चपेट में है। गांव में लोगों के घरों में कई फीट तक पानी भरा नजर आ रहा है। ये सिर्फ एक गांव की तस्वीर है, जबकि जिले के कई गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं और लोग घरों को छोड़कर पलायन कर चुके हैं। इधर उत्तर प्रदेश के गोंडा में बाढ़ से लोग परेशान हैं। बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया है और तेजी से लोग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बाढ़ ने कई गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। गांव में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दिया। घर, खेत, खलिहान सब पानी में डूब गए। हालात इस कदर खराब हुए कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा बन गई। घरों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। घरों में पानी भरने से वहां रखा सामान भी भीगकर खराब हो गया। नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों के खेत भी पानी में डूब गए, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। बाजार में पानी भरने से कारोबार को भारी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ के पानी में सड़कें डूबने से रफ्तार पर ब्रेक लग गई। कुछ गाड़ियां मुश्किल से आगे बढ़ती दिखाई दी। अधिकारी पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने का दावा करते दिखे। प्रभावित क्षेत्र में शुद्ध पेयजल तथा मेडिकल किट के साथ साथ संक्रामक बीमारियों के रोकथाम के लिए साफ सफाई, कीटनाशक दवाओं की छिड़काव सहित फॉगिंग आदि कराई जा रही है। जिले में अब तक 3 लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई। लगभग 150 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। हालांकि कुछ जगहों पर जलस्तर कम हुआ, लेकिन वहां अब संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया।